अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ देसी मुर्गियाँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों फार्म में मुर्गियाँ लाजमी पाई जाती हैं क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिसको सराइकी में चिचुड़ कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, तो जान जो कि जानवरों के लिए नुकसानदायक हैं तो ये मुर्गियाँ उनको खा जाती हैं। तो उसके हवाले से मैंने देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। माशाल्लाह मैंने एक मुर्गी से ये काम शुरू किया था, एक मुर्गी और एक मुर्गा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 हो गई हैं। तो ये देख लें, ये मुर्गी हमने बिठाई थी, अब ये बच्चे निकाल रही है चूज़े, एक निकला हुआ है और जो बाकी है ना निकलने के लिए तैयार हैं। तो आप देख लें, ये मैं ऊपर करूँगा और देख लेना, ये देखें माशाल्लाह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ चूज़े निकले हैं भाई, अभी भी 5 अंडे रखे हुए हैं। तो इसके फ़ायदा ये है कि भाई एक तो आपके जानवरों को भी फ़ायदा है, दूसरा ये कि गोश्त जो है ना खाने के लिए आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी, ये प्योर ओरिजिनल देसी चीज़ है। और वैसे इसका मैंने फार्म बनाने का भी इरादा है कि देसी मुर्गी का फार्म बनाऊँगा, तो आप लोगों से मशवरा भी दरकार है क्या देसी मुर्गी का फार्म बनाना चाहिए। अगर इसके बारे में किसी भाई को आइडिया है तो वो ज़रूर इसके बारे में गाइड करे और हेल्प करे। तो देखिए माशाल्लाह 8 बच्चे निकले हैं इसके। अब अगर इसकी केयर की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये 1000 का एक बच्चा जब 2-3 महीने में तकरीबन ये तैयार हो जाता है, 3 से 4 माह, तो 3 से 4 माह के अंदर ये एक बच्चा 1000 से 1500 के करीब दिन में अंडे का सेल होता है और मुर्गी आगे से फिर अंडे दे देती है। तो इस हिसाब से आप देख लें कि माशाल्लाह कितना एक मुनाफा बख्श काम है, इसमें कुछ ज़्यादा वर्क भी नहीं है, नॉर्मल काम चलता रहता है इसका। मुर्गी तो वैसे ही कीड़े मकोड़े खाती रहती है, इसका कोई ख़र्चा ही नहीं है, बस एक सुबह के टाइम भी और एक शाम के टाइम कुछ दाना पानी उनको दे दें, बाकी ये खुद ब खुद खाती पीती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें।